गोला में बार एसोसिएशन ने दिल्ली प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। गोला बार एसोसिएशन के तमाम वकील इकट्ठे होकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुले तौर पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे काले कानूनों के खिलाफ किसानों को समर्थन दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट जीवन सिंह नैन ने बताया कि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे किसानों का वो समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम गोला बार एसोसिएशन के सदस्य सहमति जताते हुए कह रहे थे कि धरने पर बैठे किसानों को हर तरह का सहयोग किया जाएगा, यहां तक कि उनके खिलाफ जो भी पर्चे दर्ज हुए हैं वो उनके लिए वकालत करेंगे और कानून के दायरे में रहते हुए उन केसों को हैंडल किया जाएगा। कैथल से न्यूज वन हरियाणा के लिए बबल कुमार गागट की रिपोर्ट। आज तमाम जो एडवोकेट है बार एसोसिएशन के गुला के, वो एकत्रित हुए हैं, कारण क्या है? देखिए, जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं किसानों के खिलाफ, तो बार एसोसिएशन गुला ने एक मीटिंग कर किसानों को समर्थन करने का फैसला किया है और बार एसोसिएशन के सदस्यों का मानना है कि तीनों कृषि बिल किसानों के पूरी तरह खिलाफ है। बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि गुला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर जो भी जो है मुकदमा सरकार दर्ज करती है या किसी किसान को कोई सहायता की जरूरत पड़ती है तो फ्री में उपलब्ध करवाएगी, और दूसरा जो है 1,000 रुपये प्रति मेंबर ने किसान आंदोलन के अंदर योगदान करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो लगातार देखा जा रहा है कि जो 3 मीटिंग हो चुकी है, अभी तीसरी होने वाली है किसानों के साथ, क्या लगता है आपको, सिरे चढ़ पाएंगी? सिरे चढ़ पाएगी, आज नहीं तो कल सिरे चढ़ पाएगी। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन से रोक रही है और लोकतंत्र के अंदर जो है जनता की अनदेखी नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी तादाद में जब किसान खड़े हो गए हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और मेरा तो जो है सभी चैनलों से आपके माध्यम से भी यही अनुरोध है कि बिना कोई वक्त गवाए सरकार को जो है तीनों कृषि अध्यादेश वापस ले लेने चाहिए। ठीक है सर। मैं एडवोकेट सुखचैन सिंह थिंद गोला बार एसोसिएशन से हूं, और हमारे वकील भाइयों ने आज साथियों ने इकट्ठे होकर सर्वसम्मति से इन काले तीनों कानूनों के खिलाफ और जो दो अन्य अध्यादेश आए हैं उनके खिलाफ एक प्रस्ताव डाला है, और कल को हमारे जितने साथी हैं वकील ज़्यादा से ज़्यादा वो दिल्ली जा रहे हैं और उन किसान भाइयों को जो सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं इनको रद्द करवाने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए। इसके अलावा हमने एक और प्रस्ताव किया है कि जो भी FIR हुई है उसके लिए हमारा वकील भाईचारा उन किसान भाइयों के केस मुफ्त में लड़ेंगे जो भी जिनके खिलाफ भी FIR हुई है। और तीसरी बात, इसकी जो मार है गरीब छोटे दुकानदार व्यापारी और आम जनता के ऊपर है, और उनके साथ साथ वकील भाइयों के ऊपर भी इसकी मार है, क्योंकि जुरिडिक्शन के ऊपर ये दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार खत्म करके सरकार ने इन कानूनों में SDM को पावर दी गई है, और उससे ना तो न्याय होगा और ना ही ये फैसले आएंगे, और जो वकील है उनका भी रोजी रोटी का सवाल है, उनके लिए भी ये कानून घातक है।